सो गाइस आज की वीडियो होने वाली है एक व्लॉग। जी हाँ, एंड आज हम देखने जाने वाले हैं ड्रैगन बॉल की न्यू मूवी ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरोज। सो आप लोग चल रहे हो ना मेरे साथ, चलो यार जल्दी, मतलब गाइस चलना ही है पूरे वीडियो के एंड तक, क्योंकि मजा आएगा आप लोगों को बहुत ज्यादा। मेरे साथ काफी कुछ हुआ था जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम चलते हैं 25 की रात को। तो मैं 4 अलार्म लगा के सो रहा था क्योंकि जो मूवी थी वो थी सुबह की 11 बजे की, एंड मेरे को व्लॉग भी शूट करना था, तो मैंने सोचा कि जल्दी उठ के व्लॉग शूट कर लेंगे। लेकिन मैं उठा 10 बजे, जी हाँ, एंड अब मेरे पास सिर्फ 16 मिनट्स थे। सो नहा धो के ब्रेकफास्ट करके मैं निकल गया अपने घर से, एंड यू नो उस टाइम टाइम कितना हो रहा था। एंड जो मॉल था वो मेरे घर से थोड़ी दूर पे था, एंड जब मैं घर से निकला तो उस टाइम हो रहा था 10:51, मतलब कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स थे। तो मैं अपनी गाड़ी की स्पीड को थोड़ा सा तेज कर दिया एंड थोड़े स्पीड से जाने लग गया। लेकिन गाइस आप ऐसा मत करना, आप देख सकते हो मेरे सिटी पे ट्रैफिक नहीं रहता, लेकिन आपके में रह सकता है। फिर उसके बाद मैं गली गली से जाने का सोचा था कि मेरे को सिग्नल्स ना मिले, और ये शॉर्टकट भी था, एंड यहाँ पे गणपति बप्पा मोरिया, एंड शायद गली पे आने का और शॉर्टकट लेने का मेरा डिसीजन गलत था, क्योंकि भाई कैसे निकालो इसके पास से। लेकिन यहाँ मेरे को थोड़ी सी जगह मिली एंड मैं यहाँ से निकाल लिया। सो अब मैं गली पे तो आ गया था, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि ये गली इतनी पतली है। फिर उसके बाद अब खुद सुन लो, रात नहीं है, सही है। यप, मेरे को लग रहा था कि हम लोग और कहीं आ गए हैं। ऊपर से यार आज का मौसम कितनी धूप है आज। लेकिन कोई नहीं, हमारा शॉर्टकट से ही निकला एंड हम फाइनली मॉल के पास आ गए थे। फिर उसके बाद जल्दी से पार्किंग की टिकट लेकर हम लोग निकल गए, एंड आप स्पीड देखो सिर्फ। एंड यहाँ के मैं क्या देख रहा हूँ, हमारे अलावा मॉल पे कोई भी नहीं है। आप लोग देख सकते हो एक भी गाड़ियां नहीं है पार्किंग में। फिर उसके बाद मैं एक सो कॉल्ड सा ब्लॉगर बनते हुए, फिर उसके बाद मैं थोड़ा आगे गया तो यहाँ पे सिक्योरिटी चेक हो रहा था, एंड मेरे साथ ये होना बाकी था। क्या है ये? यार वॉलेट रखने में ये मशीन टीट टीट करती है, लेकिन छोड़ो। फिर उसके बाद हमने लिफ्ट से ना जाकर हमने सीढ़ियों से जाना सही समझा, एंड यार सच में सीढ़ियाँ बहुत ज्यादा थी, क्योंकि हम लोगों को टॉप फ्लोर पे जाना था, एंड देख लो अभी हम सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर हैं। एंड फिर उसके बाद ये होना भी बाकी था। फिर उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी में कुछ ज्यादा ही ऊपर चले गए, फिर या फिर से नीचे आना था। फिर उसके बाद फाइनली हम मॉल के अंदर आ गए थे, लेकिन क्या अभी पीवीआर तक भी जाना है। फिर आराम से चलते 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 फाइनली पीवीआर दिखाई दे रहा था, एंड या फिर उसके बाद टिकट चेक करवा के फाइनली हम पीवीआर के अंदर थे। फिर उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि हम बहुत जल्दी में थे, तो हम जल्दी से हॉल के अंदर गए, एंड यहाँ पे क्या देख रहे हैं भाई, एड चल रहा है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि पीछे की सीट्स भरी थी, क्योंकि लोग आए थे मूवी देखने। फिर उसके बाद मैं आराम से अपनी सीट पे बैठ गया, एंड 30 मिनट एड देखने के बाद फाइनली मूवी स्टार्ट हुई। यार ऐसा पता होता तो मैं क्यों इतनी जल्दी में आता। लेकिन फिर जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई सच में बहुत ज्यादा मजा आया। वो पावर जो हाथों से भेजते हैं, जो गोटन चाचा और ट्रंक्स भैया कहते हैं, एंड खास कर लास्ट वाला सीन, क्योंकि इसमें मेरा फेवरेट कैरेक्टर है गोहान, एंड उसकी जो पावर्स दिखाए ना, हाय हाय मजा आ गया देख के। एंड मैं स्पॉइल तो नहीं करने वाला, आप लोग देख लेना। फिर उसके बाद 1:06 में ये मूवी खत्म हुई। एंड यार एक चीज मेरे को समझ में नहीं आई, इस मूवी को पता नहीं क्यों काफी छोटे हॉल पे लगाया गया था, एंड आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कितने लोग आए थे इस मूवी को देखने। एंड यार इसके साथ साथ एक बात अच्छी नहीं लगी, पूरे पीवीआर पे कहीं पे भी इस मूवी का पोस्टर नहीं दिखा मेरे को। एटलीस्ट एक पोस्टर तो लगा सकते थे ना, बट एक भी नहीं था। लेकिन छोड़ो यार क्या बोल सकते हैं इस पे, लेकिन गाइस मूवी तो बहुत ज्यादा अच्छी थी। फिर उसके बाद मैंने अपने आप को मिरर में देखा, फिर उसके बाद मैंने सबवे खाया, फिर उसके बाद मैंने एक दो फोटो क्लिक की, एंड या घर जाके सो गया। एंड यहाँ पे ये व्लॉग खत्म होता है।